एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये बात मध्य प्रदेश पर 100% सच साबित हो रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि देश विदेश के सैलानियों को मध्य प्रदेश खूब लुभा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2023 में मध्य प्रदेश में देश विदेश के करीब 11 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें सबसे ज्यादा बाबा महाकाल की शरण में उज्जैन पहुंचे। देश दुनिया में अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, जंगली जानवर और आध्यात्मिक विरासत के लिए मध्य प्रदेश की अलग जगह है। अब ये शोहरत आंकड़ों में तब्दील हो रही है। मध्य प्रदेश को महसूस करने के लिए देश दुनिया के सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों को निहारने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर आ रहे हैं। टॉप 10 डेस्टिनेशन में 5 धार्मिक जगह हैं। साल 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए करीब 5 करोड़ 28 लाख पर्यटक पहुंचे, तो मैहर में 1 करोड़ 68 लाख, चित्रकूट में 90 लाख, ओंकारेश्वर में 34,75,000 लोग पहुंचे हैं, सलकनपुर में भी करीब 25,65,000 पर्यटक पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस बार जनवरी से लेकर अभी तक 11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए हैं। यह चीता स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश निरंतर उन्नति और प्रगति कर रहा है। वैसे सूबे के बड़े शहर भी लोगों को खूब लुभा रहे हैं। साल 2023 में इंदौर में करीब 1,01,00,000 सैलानी पहुंचे हैं, तो संस्कार धानी जबलपुर में 26,69,000 सैलानी पहुंचे। राजधानी भोपाल इंदौर और जबलपुर से पीछे जरूर रहा, लेकिन यहां पर करीब 19,50,000 सैलानी पहुंचे, जिसे कम से कम कम तो नहीं कहा जा सकता है। वर्ष 2023 के आंकड़े रिलीज किए हैं, ऑल टाइम हाई टूरिज्म हमारा 2023 में हुआ है। 11.24 करोड़ लोग वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में भ्रमण करके गए हैं, जिसमें से 5 करोड़ के ऊपर उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करके गए हैं। अन्य हमारे स्थानों में भी बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये वृद्धि जो हुई है आज तक की रिकॉर्ड, वो ऐसे ही नहीं हुई है। शासन के लगातार प्रयासों से, बहुत सारी बेहतर सुविधाएं देने से और पर्यटकों में यहां के प्रति रुचि जागृत करने से ये वृद्धि हुई है। सैलानियों की बढ़ती तादाद के पीछे अच्छी सुविधाएं और सुगम होता सफर है। एयर, रेल और सड़क के सफर की कनेक्टिविटी में हुए सुधार की बदौलत टूरिस्ट बड़ी आसानी से मध्य प्रदेश में अपनी पसंदीदा जगह पर पहुँच रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी देश में ही नहीं विदेश के सैलानियों में भी मध्य प्रदेश आने की ललक और बढ़ेगी और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। एमपी अजब है, एमपी गजब है और एमपी उतना ही ज्यादा खूबसूरत भी है। एमपी के पर्यटन स्थल देश विदेश के लोगों को लुभा रहे हैं और प्रदेश की शोहरत अब देश विदेश तक पहुंचने लगी है। 2023 में न केवल पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा गया, बल्कि राजस्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि एमपी के धार्मिक पर्यटन स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में भी पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में बढ़ता पर्यटन खुशहाली और बढ़ते रोजगार का प्रतीक है। वैसे इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में दरअसल देखने और सुकून के पल बिताने को बहुत कुछ है। इसलिए हम भी आपसे यही कहेंगे कि कुछ दिन तो गुजारो आप मध्य प्रदेश में।